हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका अग्रवाल फ्रॉम डिवाइन सेंटर पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पूरा मैसेज सुनिए, क्योंकि आप लोग आधा वीडियो सुनते हैं और फिर उसके बाद उन्हीं सेम चीज़ों को आप मुझसे मैसेज करके पूछते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो हम आज पीके कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं कि कैसा हमारी मैरिड लाइफ रहेगी, मतलब आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपके पार्टनर के साथ क्या दिक्कतें आपको आ सकती हैं या आ रही हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, या आगे चलकर आप किस तरह से अपना मैरिड लाइफ स्पेंड करेंगे। मैरिड हैं तो, मैरिज होने वाली है तो, सब लोग ये देख सकते हैं। लेकिन ये जो रीडिंग्स हैं ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। एज मैंने पहले भी बोला है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सबके ऊपर ये एग्जैक्टली फिट हो। हालांकि मेरे को रीडिंग्स में बहुत कमेंट्स मिल रहे हैं कि उनकी बिल्कुल ट्रू है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप मन से आंख बंद करके पाइल सेलेक्ट करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी ये 100% ट्रू भी हो सकती है। बट फिर भी एडवाइजेबल ये रहता है कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप पेड कंसल्टेशंस बुक करिए। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर इस तरह से फ्री रीडिंग्स के लिए मुझसे व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट करते रहेंगे या मुझे फ़ोन करके बार बार बोलते रहेंगे तो उससे सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि हम भी अपने कार्मिक बंधों से बंधे हुए हैं। जब हम रीडिंग करते हैं हमारा टाइम, हमारी एनर्जी सब जाती है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए मैसेज करेंगे कि मैम प्लीज़ फ्री रीडिंग कर दीजिए, मैम प्लीज़ कर दीजिए, तो वो आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, मेरा भी कर रहे हैं। तो फ्री रीडिंग्स जो मैंने कर रखी हैं वो यहाँ पर कर रखी हैं। मैं ये वीडियोज़ बनाती इसलिए हूँ कि जो लोग अभी फॉर द टाइम बींग किसी वजह से नहीं ले पा रहे हैं पेड कंसल्टेशन, तो वो इनका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स कराने हैं तो वो तो आपको पेड कराना ही पड़ेगा। और कमेंट सेक्शन में जो आप मुझे रिक्वेस्ट करते हैं रीडिंग्स के लिए, वो जनरल रीडिंग्स के लिए रिक्वेस्ट करिए। पर्सन स्पेसिफिक रीडिंग नहीं मैं कर सकती कि कोई इंसान लिख रहा है कि मेरे लिए आप रीडिंग बनाकर वीडियो पे डाल दीजिए। पहली बात तो उसमें प्राइवेसी इश्यूज हो जाते हैं, दूसरी बात ये सब नहीं हो सकता है। ये जनरल रीडिंग्स हो सकती हैं जिसमें आपको पाइल सेलेक्ट करना होता है और आप रीडिंग को अपना कंसल्ट कर सकते हैं। अब ये मैसेज के बाद मैं कैमरा कार्ड्स की तरफ कर दूंगी और एक एक पाइल को मैं रीड करूंगी, तो कैमरा वहीं रहेगा, क्योंकि पिछले वीडियोस में कुछ लोग कह रहे थे कि उनको कार्ड्स प्रॉपरली दिख नहीं रहे हैं और उनको कार्ड्स देखने हैं, तो इसीलिए मैंने अभी ये मोड अपनाया है जिसमें आपको कार्ड्स प्रॉपरली दिखेंगे, रीडिंग्स प्रॉपरली दिखेंगी। तो हाय फ्रेंड्स, ये पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। यहाँ पे आप आराम से इन पाइल्स को देखकर आईज क्लोज करेंगे, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, गहरी सांसें लेंगे, अपने बारे में सोचेंगे कि आपको अपनी मैरिड लाइफ जानना है कि कैसा रहेगा, और उसके बाद एक पाइल का नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। ऑनेस्ट रहिए अपने साथ और वही सिलेक्ट करिए जो आपके मन में आ रहा है या जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वही आपकी रीडिंग है। अगर पाइल्स आप शिफ्ट करेंगे बार बार तो वो रीडिंग नहीं बदल जाएगा। और आपने जब सिलेक्ट कर लिया है तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी, आप अपने टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंगली जाकर वो पाइल्स आप रीडिंग सुन सकते हैं उसकी, ठीक है। तो अभी ये पाइल 1 है, पाइल 2 है, पाइल 3 है। हम सबसे पहले जानेंगे जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट करा है उनकी रीडिंग क्या। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट करा है उनके लिए हम रीड कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर ओशो कार्ड्स का इस्तेमाल करा है और मैंने 5 कार्ड्स निकाले हैं और प्लस मैंने 3 फेरी कार्ड्स निकाले हैं मैसेजेस के लिए, यानी कि आप एक सॉल्यूशन मैसेज आप किसी भी तरह से समझ सकते हैं। तो हम पहले रीड करना शुरू कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो भी लोग मैरिड हैं या अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिज होने वाली है, वहाँ पे आपकी रिलेशनशिप और मैरिज लाइफ में मुझे ट्रस्ट की कमी नज़र आ रही है। अब ये ट्रू भी हो सकता है, या तो ये ट्रू है कि आपके पार्टनर आपको हो सकता है चीट कर रहे हैं या डबल टाइमिंग कर रहे हैं, बट जहाँ तक ये कार्ड्स बता रहे हैं 99.9% ये आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि उनका किसी और की तरफ झुकाव है, लगाव है, या कहीं वो आपको छोड़ ना दें, हमेशा आप इस डर में जी रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि जो भी आपके पार्टनर हैं, यानी कि अगर लड़के देख रहे हैं तो उनकी वाइफ, अगर लड़कियां देख रही हैं तो उनके हस्बैंड,
लव इज डेफिनेटली देयर, ऐसा नहीं है कि शादी में प्यार नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी कमी है. और बहुत जैसे होता है ना, कई बार हम लोग, ज़रूरी नहीं है कि शादी बहुत पुरानी हो जाए तभी ये हमारे साथ हो, कई बार ऐसा होता है कि हमारी शादी थोड़े टाइम ही हुआ है, 6 महीना हुआ है, साल भर हुआ है, तब भी हमें शादी में ना एक नयापन नहीं नज़र आता, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स, और ऊपर से अगर शक हमें घेर ले, ऊपर से इस तरह के डाउट्स हमें घेर लें, तो हम एग्जॉस्ट होने लगते हैं. तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि इस केस में थोड़ा सा आपको ट्रस्ट प्लस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है. अब ट्रस्ट आप किसी पे भी ओवरनाइट नहीं डेवलप कर सकते हैं, ये भी मैं समझ सकती हूँ. अगर आप किसी रिलेशनशिप में स्पॉइल हो रहा है कोई रिलेशनशिप, या उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही दिन में सॉल्व हो जाएंगी. बट हाँ, डेफिनेटली ये चीज़ तो है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही हैं वो किसी थर्ड पर्सन की तरफ से आ रही है. थर्ड पर्सन का मतलब ये नहीं है कि आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का कहीं अफेयर चल रहा है. थर्ड पर्सन का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप दूसरों की बातों में आ रहे हो, या दूसरों के रिलेशनशिप्स को देखकर वो आप अपने आप में कंफ्यूजन बना रहे हो कि ये चीज़ मेरे साथ भी है. लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने की ज़रूरत है. ऐसा सोचिए जैसे आप किसी नए इंसान से मिल रहे हैं, कहीं एक सेकेंड हनीमून या कहीं घूमने का आप प्लान कर सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ आप दोनों हो, कोई थर्ड पर्सन ना हो, ना आपके कोई दोस्त हो, ना आपके कोई रिलेटिव्स हो. आप एक दूसरे को एक नए सिरे से जानिए, भूल जाइए जो पीछे कुछ हुआ, आर्ग्यूमेंट्स हुए या कुछ भी हुआ, वो सब भूल जाइए, एक नई प्लेस पे जाइए. खास करके आप लोगों के लिए प्रेफरेंस रहेगा कोई पानी वाली जगह, या जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी हो, ऐसी कहीं जगह आप 2-3 दिन के लिए घूमने जाएं, आपस में अक्रॉस द टेबल बैठें और आपस में खुल के बात करें कि भाई दिक्कतें कहाँ आ रही हैं. अगर आपकी तरफ से अननेसेसरी ट्रस्ट की कमी है या आप शक कर रहे हैं, तो उसको भी आप सॉल्व कर लिए, वंस फॉर ऑल सॉल्व कर लीजिए, ताकि आगे आपकी लाइफ में ये चीज़ इंटरफेरेंस ना हो. तो अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो आपकी मैरिड लाइफ में एक ठहराव आ जाएगा, एक विश्वास आ जाएगा, और आगे आपकी लाइफ अच्छी चल पाएगी. तो अभी तो ये चीज़ मुझे वैसी नज़र आ रही है, थोड़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही है, लेकिन ये ख़राब ना हो, स्पॉइल ना हो, या उस मुकाम तक ना पहुँचे जहाँ पे रिलेशंस पूरी तरह से स्पॉइल हो जाते हैं, हम किसी से प्यार करते हैं, बाद में वही इंसान हमें अच्छा लगना बंद हो जाता है. तो उस रिलेशन को आप अभी संभाल सकते हैं. किसी भी तरह के डर को, फियर को मन से निकाल दीजिए. जो आपका है वो आपका ही रहेगा, उसे कोई और नहीं ले सकता है, और जो आपका नहीं है उसको आप लाख कोशिश कर लेंगे तो भी आपके पास नहीं आ सकता है. तो चलिए फेरीज देखते हैं कि हमें क्या बोल रही है. फेरीज ये बोल रही हैं कि आपकी जो डिजायर्स हैं, जो आपकी विश है अपने पार्टनर को लेकर कि वो ऐसा करें या आपको इस तरह से ट्रीट करें, वो फुलफिल होगी, पक्का होगी. अगर आप जैसा मैंने आपको सजेशन दिया है वैसा आप अपने रिलेशनशिप को टाइम देते हैं, एक नया मोड़ देते हैं, तो आप बहुत जल्दी, यानी बेसिकली मे बी विद इन 6 मंथ्स आप देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप में बहुत सुधार आ रहा है, आपकी अपने पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी भी बढ़ रही है. दूसरा फेरीज आपको ये भी बोल रही है कि जो हो चुका है उसको लेट गो कर दीजिए. अगर पास्ट में कोई मिस्टेक आपसे हुई है या उनसे हुई है, जब तक आप उसको लेट गो नहीं करेंगे, आप माफ नहीं करेंगे एक दूसरे को, तब तक ये रिलेशनशिप होते हुए भी बेटर नहीं आएगा. एंड देन अगेन फेरीज आर ऑल्सो सजेस्टिंग यू अ हॉलीडे. दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक हॉलीडे पे जाएं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, जहां किसी तीसरे का इंटरफेरेंस ना हो. मैं बार बार ये बोल रही हूँ क्योंकि बार बार दोनों तरह के कार्ड्स में ये चीज आई है. उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अपने बेडरूम में जहां आप सोते हैं उसके साउथ वेस्ट कॉर्नर में सनफ्लावर के जो फ्लावर्स होते हैं वो आप लगा सकते हैं. ध्यान रहे ताजे फूल लगाने हैं, मुरझाने नहीं देना है, मुरझाने के बाद उसको बदल देना है. 2 सनफ्लावर आप लगा सकते हैं. और हाँ, इससे पहले कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप फ्लड करें, मैं आपको बता दूं सनफ्लावर सीजनल होते हैं, तो जिस सीजन में मिलेंगे उसी में लगा पाएंगे. तो जब वो सीजन होगा तभी आप लगा सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस आप
अगर पूछेंगे भी कि मुझे सनफ्लावर नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली वो सीजन उस समय नहीं होगा, उसकी जगह आप रोज लगा सकते हैं, बट मुरझाने नहीं देना है। और जब आप वो मुरझाया हुआ फूल बदलेंगे तो वो जो मुरझाए हुए फूल है उसको किसी दूसरे पौधे में या मतलब कहीं भी आप डाल सकते हैं, नदी में जरूरी नहीं है कि बहाएं, क्योंकि नदी में तो आजकल वैसे भी मना कर रहे हैं कि फूल पत्तियां नहीं बहानी चाहिए, और उससे ऐसा कुछ नहीं होता कि आप उसमें ही प्रवाह करेंगे तो ही कुछ होगा, इसलिए आप उनको कहीं भी डाल सकते हैं। लेकिन मुरझाया हुआ फूल बेडरूम में नहीं रहना चाहिए और ताजे प्लास्टिक के फूल नहीं रहने चाहिए। ये मैंने बहुत क्लियर कर दिया, इस पे क्रॉस क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। नहीं, प्लास्टिक फूल्स नहीं है तो नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। इससे क्या होगा ना कि आपके रिलेशनशिप बेटर होंगे। और अपने बेडरूम में अगर आप राधा कृष्ण का जोड़े से कोई भी फोटो लगाते हैं, मूर्ति नहीं फोटो लगाते हैं फ्रेम बनाकर, वो आपके रिलेशनशिप में बेटरमेंट लेकर आएगा। तो ये तो था पाइल वन वालों के लिए कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। अब हम पाइल टू पे मूव करते हैं। तो मेरे सामने कार्ड्स हैं जिन्होंने पाइल टू सिलेक्ट करा है। ओके, सो पाइल टू वालों के लिए देखिए, मुझे इसमें नजर आ रहा है कि आप लोगों की शादी मोस्ट प्रोबेबली लव मैरिज हुई है। बहुत अच्छे से आप लोगों की कंपैटिबिलिटी है, और अगर अरेंज भी हुई है तो आपने कोर्टशिप पीरियड में टाइम दिया है, या अगर होने वाली है और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी वो जानने के लिए, तो मतलब या तो वो लव मैरिज होगी या आपको अरेंज के साथ वो टाइम मिलेगा कि इवेंचुअली यू बोथ विल फॉल इन लव एंड देन यू गेट मैरिड। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही करियर ओरिएंटेड हैं, दोनों के अपने अपने विजन्स हैं, अपने अपने गोल्स हैं लाइफ में, जो आपने एक दूसरे से बहुत ही क्लियरली शेयर करे होंगे शादी के टाइम पे, या फिर शेयर करेंगे जब शादी होगी। जो लोग देख रहे हैं जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, मुझे सेलिब्रेशन का टाइम नजर आ रहा है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं और तब ये वीडियो देख रहे हैं तो शादी जल्दी होने वाली है, जल्दी आपको आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट मिलने वाला है और आपका मैरिड लाइफ काफी स्मूथ जाने वाला है। आपको ससुराल की तरफ से भी एक्सेप्टेंस मिलेगा, अगर आपके पेरेंट्स अभी तक नहीं माने हैं तो मान जाएंगे जल्दी। ये सारा कुछ मुझे कार्ड्स में नजर आ रहा है। आप लोगों का ना इंटीग्रेशन, जो आपकी कंपैटिबिलिटी है, वो बहुत अच्छी है आप दोनों के बीच में। सबसे बेस्ट बात ये है ट्रस्ट, यू पीपल ट्रस्ट ईच अदर। आप लोगों का ट्रस्ट आप कभी भी हिलने नहीं देंगे ना अगर, और अपनी शादी को एक दोस्ती के लेवल पे रखेंगे तो आपकी शादी हमेशा फ्रेश रहेगी। ये भी मुझे नजर आ रहा है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप लोग मैरिज होने से पहले एक अच्छे फ्रेंड्स बने होंगे, उसके बाद आपकी ये मैरिज होगी, और कहीं ना कहीं वो फ्रेंडशिप जो है ना, वो शादी के बाद कहीं ना कहीं लूज हो गई है, तो आप उस फ्रेंडशिप को रिवाइव करिए। अगर ये, और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर आपकी मैरिज नहीं हुई और आप देख रहे हैं कि आपका मैरिज किससे होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका कोई फ्रेंड सर्कल के थ्रू, या वो आपका कोई अच्छा फ्रेंड होगा जो जिससे आपकी मैरिज होगी। तो देखते हैं फेरीज क्या बता रही हैं। फेरीज मुझे ये बता रही है कि अगर आप अनमैरिड हैं और एक रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक दूसरे के बारे में रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा सा एक दूसरे के बारे में और अच्छे से जान लीजिए। अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में, या आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि तालमेल थोड़ा सा और बेटर आप कर सकते हैं, तो थोड़ा एक दूसरे की फीलिंग्स को और सेंसिटिविटी को जानने की कोशिश करिए। मैं ये देख पा रही हूँ कि जो भी इस समय रीडिंग देख रहा है, वाइफ देख रही है तो या हस्बैंड देख रही है, उनके अपोजिट यानी कि जो उनके पार्टनर हैं वो तो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इनसेंसिटिव हैं उनके फीलिंग्स को लेकर। अगर आप थोड़ी सी अपनी तरफ से भी कदम बढ़ाएंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे, तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होने वाला है। अपने थॉट्स को थोड़ा अपलिफ्ट करें, क्योंकि आप ना कभी कभी बहुत नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं, जो कभी कभी आपके पार्टनर को परेशान कर देता है, क्योंकि वो आपकी बहुत केयर करते हैं। तो अपने थॉट्स को अगर आप थोड़ा मतलब रोज अगर आप एफर्मेशन करेंगे कि माई मैरिड लाइफ इज वेरी गुड, आई हैव अ लविंग पार्टनर, आई हैव गॉट बेटर थिंग्स इन माई लाइफ, बेस्ट थिंग्स इन माई लाइफ, तो आपको पॉजिटिव फील होगा।
और किसी भी तरह की चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी शादी होने वाली है तो, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुली टर्न डाउन होगी। आप चीज़ों को मैनेज भी बहुत अच्छे से करेंगे। देखिए, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हर शादी में आती है। मैं ये बोलूँ कि कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो आप लोगों के बीच में झगड़ा कभी नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो प्यार वाला झगड़ा होता है। तो आप थोड़ी सी नोकझोंक तो प्यार बढ़ाती भी है ना, तो थोड़ा बहुत नोकझोंक होती है, कोई बात नहीं, कुछ कुछ व्यूज क्लैश हो जाते हैं, मगर आप प्यार से अगर एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो वो आपके बीच का कोई रास्ता नजर आ जाएगा। आपके पार्टनर सपोर्टिव बहुत हैं तो इसलिए आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी। अगर आपकी शादी को 5-6 साल बीत चुके हैं, 7-8 साल बीत चुके हैं एंड फैमिली वेक के लिए आप देख रहे हैं, तो ये कार्ड्स ये भी डिनोट कर रहे हैं कि जल्दी आप कंसीव कर सकते हैं और अपनी फैमिली को बढ़ा सकते हैं। तो ये था पाइल 2 वालों के लिए। इसके बाद हम देखेंगे पाइल 3 जिन्होंने सिलेक्ट करा है उनकी रीडिंग क्या कहती है। उन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट करा है, मैं उनके लिए रीडिंग करने वाली हूँ और पाइल 3 के कार्ड्स। ओके, सो ये लोग ऑलरेडी अगर मैरिज में हैं या रिलेशनशिप में हैं और मैरिज होने वाली है या इनकी शादी होगी, तो इनके ऑलरेडी आई एम सो सॉरी, हो सकता है इसको देखकर आप डिसलाइक करें, मगर जो सच है वो सच है। मुझे आपके मैरिड लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रही हैं। देखिए, ये आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है और ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक पे ये एप्लीकेबल है कि कहीं ना कहीं आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप रह चुका है या कोई आपके माइंड में है ऑलरेडी जिससे आप अपने पार्टनर को कंपेयर कर रहे हैं, या फिर ये आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है कि उनके माइंड में कोई हो या उनका कोई पास रिलेशनशिप रहा हो और वो उससे आपको कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेट गो करने में बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि चलिए जो मुझे मिला है मैं उसमें अच्छाई ढूंढूं, जो नहीं मिला है या जो आपके माइंड में है उसको लेकर आप 24 घंटे सोचते रहते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए मेरे पार्टनर में या ऐसी होनी चाहिए, या फिर हो सकता है आपके कुछ ड्रीम्स हो अपने पार्टनर को लेके जिसके अपोजिट आपके पार्टनर निकल गए हैं। मे बी जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि कोई बहुत रोमांटिक पार्टनर मिले लेकिन आपको बहुत सीरियस टाइप के एक मेच्योर पार्टनर मिल गए हैं और वो आप कहीं ना कहीं लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैरिज में पूरी तरह से एडवेंचर भी खत्म हो चुका है, चार्म खत्म हो चुका है बेसिकली मैरिज का ना, एक जो अट्रैक्शन होता है एक जो चार्म होता है वो मैरिज का मुझे खत्म होता दिखाई दे रहा है। और अभी आप एक ऐसे शून्य पॉइंट पे हैं कि यहाँ से जो आप डिसाइड करेंगे और जिस तरह से आप अपने रिलेशनशिप को ले जाना चाहेंगे उसी तरह से आपकी रिलेशनशिप आगे फॉर्म होगी, उसी तरह से आपकी मैरिज लाइफ फॉर्म होगी। अगर कोई तकलीफें आपके आपके पार्टनर के साथ हैं आप उनको बैठ के सुलझाइए, क्योंकि आप अगर नई नई शादी में हैं तो जैसे ही अगर आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है या कंसीविंग होता है तो फिर वो चीज़ें बहुत हौच पौच हो जाएंगी। अगर आप वो स्टेज पार कर चुके हैं ऑलरेडी, आपकी शादी पुरानी हो चुकी है तो मुझे यही सलाह आपको देनी पड़ेगी कि या तो आपके पार्टनर या जो भी हैं दोनों, पुरानी चीज़ों को कंपेयर करना बंद करिए, जो है उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि हर इंसान का प्यार करने का तरीका अलग होता है, हर इंसान का जताने का तरीका अलग होता है। किस कोई प्यार बहुत ज़्यादा जताता है लेकिन वो सिर्फ ऊपरी प्यार हो सकता है, कोई हो सकता है प्यार बिल्कुल ना जताता हो, आपको इनसेंसिटिव लगता हो लेकिन वो अंदर से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता हो और बहुत प्यार आपको करता हो। तो मेरा आप लोगों को सजेशन है कि आप ना अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए, दिल की आवाज़ सुनिए, दिमाग से काम मत लीजिए। ये नहीं कि मन जहाँ बहक रहा है आप बहकते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं मान लो कोई आपने सीरियल देख लिया आपको लगता है मेरा आइडियल पार्टनर ऐसा होना चाहिए, आपका कोई पास्ट लवर था आपको लगता है मेरा आइडियल पार्टनर ऐसा होना चाहिए, या किसी दूसरे को देखते हैं तो आपको कंपैरिजन होता है कि भाई उनके हस्बैंड तो बहुत घुमाने ले जाते हैं, उनकी वाइफ तो उनके लिए खाना बहुत अच्छा बनाती है। इन चीज़ों से ना लाइफ स्पॉइल होती है और रिलेशनशिप स्पॉइल होता है। आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, बस ये है कि आपको उसे देखने की जरूरत है। ये सेम चीज एप्लीकेबल होती है, शायद ये आपके पार्टनर की तरफ से हो रहा हो, आप अपना 100% दे रहे हो वो नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैठ के आपको इसे वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अब वर्कआउट नहीं करा तो ये शादी चलने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन आज की तारीख में निराश होने की जरूरत नहीं है, इस समय आप एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहां से आप
जो डिसाइड करेंगे, जैसे अपने आप को इस शादी में ले जाना चाहेंगे वैसे आपकी शादी फॉर्म होगी। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव स्टेप्स लेंगे तो शादी बहुत अच्छी चलेगी। नेगेटिव सोचेंगे और कोई भी स्टेप्स नहीं लेंगे तो फिर शादी में और ट्रबल आ सकता है। फेरीज आपके केस में क्या बोल रही है? फेरीज ये कह रही है कि एक तो आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा, यू नो यू हैव टू स्टॉप ट्राइंग सो हार्ड टू कंट्रोल एवरीथिंग, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके हिसाब से नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप जैसे हो तो आपका पार्टनर वैसा हो। आपने सोच लिया कि भाई ये चीज सही है और आप उस पर स्टबन हो रहे हैं। जैसा कि एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, आपको लगता है कि भाई आपके पार्टनर सारे बाहर के काम करें, मान लीजिए हस्बैंड है, आपको लगता है आपके हस्बैंड आपके घर के कामों में हेल्प करें क्योंकि आप भी वर्किंग है। तो जरूरी नहीं है कि वो वैसे हों। आप उनको जब तक वैसा एक्सेप्ट नहीं करेंगे या दूसरे से कंपेयर करेंगे तब तक आपकी शादी नहीं चलेगी ढंग से। इसी तरह से सेम हस्बैंड के साथ हो सकता है, हो सकता है उसको लगे कि भाई मुझे ऐसी वाइफ चाहिए थी जो मुझे घर के काम के साथ साथ खाना भी बना के दे, लेकिन आपकी वाइफ नहीं उतना कर पाती है या उनके अपने कुछ रीजंस हैं। तो थोड़ा सा तो आप लोगों को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप कमियां ही निकालते रहेंगे तो शादी चलना कैसे कैसे मुश्किल होगा। तो इसलिए हर चीज को ना कंट्रोल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आप कंट्रोलिंग होते जा रहे हैं जिसकी वजह से दूसरे का दम घुट रहा है, या आपके पार्टनर आप पे बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं जिसकी वजह से आपका दम घुट रहा है। जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपके असूल हैं, उन पे आप टिके रहिए, उनके लिए स्टैंड अप करिए, लेकिन स्टबन मत होइए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोइए, लेकिन ईगो में मत आइए। ये आपके लिए एक मैसेज है। और साथ में आपके जितने भी पुराने गिले शिकवे हैं, जितने भी पास्ट कर्मास हैं, वो आपके डेप्थ पेड ऑफ हो जाएंगे, यानी कि पास्ट कर्मा आपके हील हो जाएंगे अगर आप पॉजिटिव तरीके से इस रिलेशनशिप को लेंगे। थोड़ा आप मेडिटेट कर सकते हैं, डेली एफर्मेशन कर सकते हैं, पिंक रंग के कैंडल्स जला सकते हैं। अगर आप हीलिंग कैंडल्स ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल पिंक कैंडल्स आप थोड़ा सा अपने आसपास जलाएं। गुलाब के जो फूल हैं वो आप अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखें, मुरझाने से पहले उसको बदल दें। और थोड़ा सा पॉजिटिविटी अगर आप बना के रखते हैं, और अपने पार्टनर को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसके लिए कोई स्टेप नहीं लेंगे। उनको एक्सेप्ट करिए, जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करिए, उनकी अच्छाइयाँ और कमियों के साथ। दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद करेंगे तो आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा ये देख रहा है उस पर ये चीज़ एप्लीकेबल हो सकता है। ये उनके पार्टनर ये सब कर रहे हैं और वो इन सब चीज़ों से निकल रहे हैं। उनके लिए क्या सलाह है? उनके लिए यही सलाह है कि थोड़ा सा आप भी जैसे हैं वो नहीं बदल सकते, आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करें कि आप उनके हिसाब से उनको चीज़ों को मैनेज करें, उनके हिसाब से आप बैठें, थोड़ा सा ट्रस्ट विन करें उनका, और फिर उनसे बात करें कि क्या आपको अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, ताकि आपकी ये रिलेशनशिप अच्छी चल पाए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये रीडिंग्स पसंद आई होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, रेड बटन को हिट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि और भी लोग इन रीडिंग्स का फ़ायदा उठा सकें। देखिए इस समय मैं रीडिंग्स आप लोगों के लिए हिंदी में निकाल रही हूँ आप लोगों के स्पेशल रिक्वेस्ट पे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये हिंदी रीडिंग्स बनी रहे और मैं और टॉपिक्स पे भी लाऊं, तो मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए बहुत सारे, और उसमें मुझे आप हेल्प कर सकते हैं इसको शेयर करके, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को इन्वाइट करके। थैंक यू सो मच।